स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी निकाय चुनाव सर पे है, चुनाव का आज अंतिम दिन है और अभी हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 21 में और हमारे साथ इस समय निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपको सर। क्या इस बार के प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से आप उठे हैं और काफ़ी जन समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। सारा गाँव हमारे साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है इस बार। क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? कहाँ विकास नहीं हो पाया है? बहुत कुछ नहीं हुआ है, नाली नहीं हुआ है, खरंजा नहीं हुआ है, पोल पे लाइटें नहीं है, बहुत सारा काम है। कोई काम 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है हमारे ग्राम सभा वार्ड नंबर 21 में। पहले ये ग्राम सभा में था, अब नगर निगम में आ गया है। पहले ग्राम सभा था, इस समय नगर निगम में हो गया, वार्ड नंबर 21 हो गया है। पहले भी सर चुनावी मैदान में आप लड़ चुके हैं कि पहली बार है ये? इसके पहले हम BDC लड़ चुके हैं, अच्छा जीते भी हैं। और भारी मतलब ज्यादा वोट से हम लोग जीते हुए थे। अच्छा, तो अभी क्या नया अवसर लेके आ रहे हैं सर युवाओं के लिए अपने वार्ड में? अब युवाओं के लिए जो भी रोजगार आएगा दिया जाएगा, पहले तो चुनाव जीता जाए, उसके बाद जीतने के बाद क्या क्या योजना है? अब जीतने के बाद तो बहुत सारा काम है, नाली है, खरंजा है, पोल पे लाइटें हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आवास के लिए है, नाली है, सारा काम किया जाएगा। आप कर रहे हैं जी जी, तो जनता आपसे क्या क्या उम्मीद? जनता तो बहुत सारी उम्मीद लगा के रखी है। जनता सिर्फ बदलाव चाहती है, क्योंकि 15 साल में कोई काम नहीं किया, सारे लोग युवा खोज रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर कहना ही चाहेंगे युवा को सबसे चुनना चाहते हैं। 15 साल पहले सबको देख लिया गया है, काम कोई काम नहीं हुआ है, सारे बनता से सारे पेंशन के लिए भी आवास के लिए पैसा ले लिया गया है, किसी का आवास नहीं मिला है, आवास के नाम पे पैसा ले लेके सब खा चुके हैं। क्या क्या दिक्कत है? सुंदरीकरण के लिए पोखरा आया है, सुंदरीकरण नहीं बना है। अच्छा, पोखरा अभी नहीं हुआ है? कई हजार करोड़ रुपया आया था लेकिन कोई काम नहीं हुआ, मट्टी निकलवा कर बेच दिया गया, आबादी जमीन भी बेच दिया गया। पूरे गांव में जल जमा हुआ है, कहीं नाली की सुविधा नहीं है, कहीं नाली भी बना है तो कभी सफाई कर्मी आज तक आए नहीं साफ करने। कोई भी प्रधान जो भी जीते थे वह कभी ध्यान नहीं दिए जनता के ऊपर। वृद्धा पेंशन है, ग्राम का घर योजना है, खड़ंजा है, नाली है, सड़क है, बिजली है, बत्ती, कोई भी काम ढंग से नहीं किए। इन लोगों को खुद जानकारी नहीं है कि ग्राम सभा में करना क्या है और जनता की मुसीबत क्या है, किस तरह जनता से पूछा जाए। हम लोग अगर जीतेंगे तो हर हफ्ते हर एक एक गांव में जाके सारे जनता से उसकी समस्या पूछा जाएगा और सारे समस्याओं का हल निकालने का कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। यही हमारी जनता से अपील है, जितेंद्र जी को एक बार भारी मतों से जिताइए। जितेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितेंद्र जी हमारे साथ और इन्होंने और अथाह जन समर्थन देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? नाली की व्यवस्था नहीं है, जो भी नाली के पानी है सफाई आज तक नहीं हुआ, और पानी का जो भी व्यवस्था हुआ सब हमारे प्लाट में हमारी जमीन में गिरता है पानी। हमने कई बार बोला भी था, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, 15 साल में कोई भी विकास नहीं है। हमारे क्षेत्र में देखेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी लगा हुआ, सड़क पे भी और नाली से पानी वापस आता है, वही पानी हम लोग पीते हैं, नाली में रास्ता नहीं है पानी निकलने का। पानी नहीं आ रहा है क्या अभी सर यहाँ पे? यहाँ पे कनेक्शन के नाम पे, सुनिए, यहाँ पे कनेक्शन के नाम पे 450 का रसीद कटा है, जितने भी लोग कटवाए आज लगभग 3 से 4 साल हो गया टंकी बने हुए, किसी के घर नल का पानी नहीं आया, कोई भी है तो सब पानी रोड पर बह रहा है, कोई समस्या नहीं है उसका सुनवाई होने पर भी उसका निवारण नहीं हो रहा है। बारिश में बहुत दिक्कत होती है कि रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मोहनापुर में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन किसी भी महीने किसी भी साल कोई स्वास्थ्य का कर्मचारी नहीं आके स्वास्थ्य के बारे में कोई हालचाल नहीं पूछता है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी खराब है। प्राथमिक विद्यालय में कोई पढ़ाई का काम नहीं होता है, सब लोग अपने मन मर्जी से। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि नेताजी निवारण के लिए काम करेंगे। जब प्रधान नहीं सही रहे तो काम का हो। इस बार बदलाव लाना है, जितेंद्र भैया को जिताना है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहते हैं एक बार हमको भी मौका दे जनता। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितेंद्र भैया जिंदाबाद।